सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आरआरबी लोको पायलट प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज ट्रिकी अप्रोच कंप्लीट सॉल्यूशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में सेट नंबर 8 13/8/2018 सेकंड शिफ्ट के पेपर को कंप्लीटली सोल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको तीन बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर एक, सबसे पहले सेफ स्कोर तक पहुंचना है। नंबर दो, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन लगभग 10 से 15 क्वेश्चनों को 10 से 15 सेकंड में बिना पेन चलाए आपको सोल्व करना सीखना पड़ेगा। नंबर तीन, क्वेश्चन को आंखों आंखों में ऑप्शन काटते हुए स्किप करते हुए कैसे चलेंगे ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 21 अगस्त 2016 को रियो ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कौन थी जी? साक्षी मलिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक बात आपको अपने माइंड में सेट करनी है। मान लीजिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हमें पता है थोड़ा टाइम टेकन क्वेश्चन है, रफ सीट पर क्वेश्चन नंबर दो लिखकर छोड़ दो। जो हम क्वेश्चन स्किप करेंगे उनको साथ के साथ नोट करते हुए चलेंगे। लास्ट में 40 से 45 मिनट में मैं पूरे 75 क्वेश्चन आपको सोल्व करा दूंगा। जो समय बचेगा स्किप किए हुए क्वेश्चन हम बाद में कवर करेंगे, क्योंकि बच्चों लास्ट में है ना 50 के बाद 50 60 65 70 75 तक ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो 5 सेकंड के होंगे। इसलिए 40 से 45 मिनट मेरा टारगेट रहेगा पूरा पेपर सोल्व करना। जो समय बचेगा लास्ट में 10 15 20 मिनट बचेगी, उसमें स्किप किए हुए क्वेश्चन हम कवर करेंगे। यही आपको माइंड में सेट करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर फोर, कॉलम दिए हुए जी, एक कॉलम में क्या लिखा है? ऑप्शन ए सबसे छोटा कण परमाणु है, उसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण सी और डी, आपको ये कोलन का मिलान करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसमें ना यदि एक क्वेश्चन का आपको आंसर पता है या दो का पता है तो आप इनको बड़े आसान तरीके से कट कर सकते हो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर चार का, सबसे पहले दिया सबसे छोटा कण परमाणु, सबसे छोटा कण परमाणु है, ये बात किसने कही थी बच्चों? क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन ए है, ये कही थी जी मैरिसी कनाद ने, बिल्कुल सही है। नंबर दो, संतुलित रासायनिक समीकरण जन संरक्षण का कानून लागू होता है इस पर, इसका मतलब बी का चार ए का फर्स्ट, क्या होता है बच्चों? ए का फर्स्ट बी का चार, ए का फर्स्ट बी का चार, देख लो बस, ए का फर्स्ट बी का चार एक में ही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, खालिस्तान कारपेल का एक हिस्सा है जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर पांच का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, वर्तिकाग्र, क्या बोलते हैं इसे बच्चों? वर्तिकाग्र। एक इंफॉर्मेशन आपको दे देना चाहता हूं बच्चों, में लोको पायलट टेक्नीशियन जेई आपका आरआरबी कॉन्स्टेबल और एसआई सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लीजिएगा एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ, लगभग 50% पेपर आपको वहीं से देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के समान होता है, यह आपका बताना है इसमें गलत कौन सा है, ठीक है जी। नेक्स्ट, 26.68 × 10⁻¹⁻ न्यूटन दो बिंदु द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल है जो 2 किलो और 2 किलो द्रव्यमान के हैं, एक जिन्हें 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। ऑप्शन सी, पृथ्वी की तुलना में जी का मान चंद्रमा पर 1/6 होता है। नेक्स्ट ऑप्शन डी, गुरुत्व बल 2 निकायों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसमें आपका कौन सा गलत है? इसमें आपका केवल सी गलत है, ठीक है जी। क्या गलत है जी? सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, 2016 में प्रो कबड्डी लीग पीकेएल टूर्नामेंट जीतने वाली कौन सी राज्य कबड्डी टीम ने 2017 में भी इसे जीता? क्वेश्चन नंबर सात का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पटना पायरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आठ, यदि 2x² + ax + 3x - 5 द्वारा पूरी तरह से विभाज्य है तो a का मान आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आठ में बच्चों इसे सोल्व कैसे करेंगे देखिएगा, ये पूरी इक्वेशन मैं नहीं लिखूंगा, आपको मैथ के क्वेश्चनों को ना डायरेक्ट सोल्व करना सीखना। यदि आपको मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम होती है, समय ज्यादा लगता है, पूरे 25 चैप्टर मैंने आपके TCS कंपनी के आधारित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं प्लेलिस्ट कंप्लीट की है, एक बार जाकर उनको देखना, आपको मैथ से डर लगना हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आपसे इक्वेशन भी बनानी ना आती हो, फॉर्मूले का इस्तेमाल करना ना आता, जरूरत नहीं पड़ने की 80 से 90% मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने में, चाहे आपका आगामी पेपर NTPC हो, RRBJEE हो, टेक्नीशियन हो, लोको पायलट हो, ठीक है जी, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन फर्स्ट हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक बार जाकर कैलकुलेशन अपनी अच्छी कर लीजिएगा, जोड़ घटा गुना भाग आपसे अच्छी तरह से आनी चाहिए। देखिएगा क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे, यदि 2x² + ax + 3 इक्वेशन डबल नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ पे मैं मानता हूँ मान लिया क्या है बच्चों 5 से विभाज्य है तो f = 5 = 0 रख के देखते हैं। देखो जी चलो 2x² की जगह क्या लिखेंगे, 2
पाँच का स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस ए, फिर पाँच लिखेंगे प्लस तीन बराबर जीरो, ये हो जाएगा पंजो पच्चीस दूनी पचास प्लस पाँच ए प्लस तीन बराबर जीरो, ये कितना होगा बच्चों पाँच ए बराबर माइनस तिरपन हो जाएगा। ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर तिरपन बटे पाँच, दस पंजे पचास छः, दस पॉइंट छः माइनस दस पॉइंट छः आ जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, थिएटर्स ऑफ डेमोक्रेसी बिटवीन द एपिक एंड एवरीडे सेलेक्टेड एसेज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर नाइन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, सी विश्वनाथन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दस, देखो बच्चों ये टाइम एंड वर्क का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होना निश्चित है जी। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको D1 into D1 into H1 into M1 into W1 वाला फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं, दो कंडीशन देकर रखता है, एक तो पहले वाली एक लास्ट वाली। करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में बच्चों, यदि नौ मजदूर छह दिनों में 7560 रुपये कमाते हैं, क्या बोला इसने, नौ मजदूर छह रुपये में 7560 रुपये कमाते हैं तो चार दिनों में कितने मजदूर 8400 रुपये कमाएंगे। बच्चों इसमें क्या होता है, जो पहले वाले की डिजिट देकर रखता है वो दूसरे वाले के साथ गुना कर देते हैं, फिर आपका जो वैल्यू लिखोगे वो फॉर्मूला ही बन जाता है आपका। देखो क्या लिखेंगे, 9 × 6 × 8400, ठीक है जी, बटे क्या करेंगे 4 × 8400, लिखते 8400 ऊपर चला गया तो नीचे क्या आ जाएगा 7560। जब इसको आप पूरा सोल्व करोगे कितना हो जाएगा बच्चों, ये जीरो से आपकी जीरो कैंसिल, जब इसको पूरा सोल्व करेंगे आप तो ये आपका आ जाएगा कितना आएगा 15 मजदूर, कितने मजदूर बच्चों 15, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी की मेज की अंकित मूल्य 295 है, 3% की बिक्री कर जोड़ा गया, ग्राहक के लिए मेज की लागत कितनी होगी, 100 का मान दिया है, 103 का पूछा है, डायरेक्ट गुना करो, कैसे करोगे बच्चों देखो, या 3% निकाल दो उसका 295 का, 3 × 295 बटे 100, ये कितना आएगा, अब हमें ये देख रहा है अगर 300 होता ही है, देखो सोल्व किए बिना डायरेक्ट आंसर कैसे निकालना है, यदि 295 का 3% निकालना, सपोज किए 295 की जगह 300 था, 300 का 3% कितना होता, सर जी 300 का 3% 9 होता, 9 से जस्ट थोड़ा सा देख लो कौन सा है, 9 से जस्ट थोड़ा सा कम, लगभग आपका कितना होगा ये, अब ये देखो ये 295 था, 295 में 8 ऐड कर दो आप, 295 में 8 ऐड कर दो, 295 में 8 ऐड करने के बाद क्या होगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा 303, 9 से थोड़ा सा कम क्या आंसर है, 0.85 कौन से में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, सोल्व करने की आवश्यकता पड़ी बिल्कुल भी नहीं पड़ने की। दोबारा बता देता हूं आपको क्या करना था प्यारे बच्चों, 103 की गुणा आपको 295 करनी थी बटे 100 करना था, मैं 295 करता ही नहीं, मैं तो कंजप्शन मेथड से कैलकुलेशन करूंगा, डायरेक्ट 300 में करो ना, 3 × 9 इसका मतलब 9 रुपये एक्स्ट्रा जाते हैं, तो 9 से थोड़ा कम क्या है, ये आपका 8.85, ये राइट आंसर। आगे बढ़े, देखो क्वेश्चन नंबर 12, कभी भी दर्पण छवि वाले क्वेश्चनों को पूरा सोल्व नहीं करना है, जो मैं आपको लगातार क्लास में बताता रहा हूं, दर्पण प्रतिबिंब वाले का पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों, सर जी हमेशा लास्ट से चलेगा, लास्ट से आंसर स्टार्ट होगा, इसका मतलब एम से तो स्टार्ट होगा, ये डब्लू है, एम का डब्लू बना रखा वाटर इमेज, ये तो गलत है, फिर एम का डब्लू बना रखा वाटर इमेज, ये भी गलत है, बचे आपका ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड, एम से स्टार्ट होगा, एम के बाद टी आएगा, ऑप्शन फोर में एम के बाद आई है, सोल्व भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ने की क्वेश्चन को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जेड एन सी एल सी वन टू की आणविक इकाई द्रव्यमान है, ये कैसे निकालते हैं बच्चों, जेड एन का जो आपका जो परमाणविक द्रव्यमान होता है वो कितना होता है बच्चों, 65.38 यू, ठीक है जी, सी वन टू का आपका सी वन के नीचे जो टू लगा हुआ है इसका कितना होता है 35.45, ओके जी। अब क्या करना है आपको, 65.38 प्लस क्या करेंगे, प्लस 2 गुना में ये आ जाएगा 35.45, ये कितना हो जाएगा 65.38 प्लस 70.90, ये हो जाएगा आपका लगभग 136.28 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 64 से आपका 216 लिखा गया है तो 512 से क्या लिखा जाएगा, बच्चों हमें पता है 64 आपका 4 की क्यूब होती है, 4 में 2 ऐड किए 6 की क्यूब, 6 का क्या हुआ बच्चों, ये क्यूब 216 लिखा। अब 512 देखें, 512 सर 8 की क्यूब होती है, 8 की क्यूब में 8 में 2 जोड़ ऐड करेंगे 10, 10 की क्यूब क्या होगी 1000, राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। लगभग मैं तो रीजनिंग के लगभग आपको 20 से 30% क्वेश्चन आंखों आंखों में सोल्व करना सीखना होगा, ठीक है जी, तभी आप 75
क्वेश्चनों को 60 मिनट में अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जीवाश्म ईंधन कार्बन और खालिस्तान से समृद्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन से समृद्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 को स्किप करके चलेंगे, दो क्वेश्चन हमारे स्किप हुए, एक क्वेश्चन नंबर सेकंड था, एक 16 था। क्वेश्चन नंबर 17, देखो ऐसे क्वेश्चन देखने में तो लगते हैं लॉन्ग कि बहुत कैलकुलेटिव होंगे, लेकिन थोड़ा पढ़ के देखो, प्रतिशत पूछा है, डायरेक्ट निकालेंगे, स्किप नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। दिए गए ग्राफ में 1991 से 2001 तक जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि बताओ। देखिएगा 1991 देखो कहाँ है सर, 1991 पे 60 है, कितना देता जी 60 प्रतिशत के क्वेश्चन, तो 20 से 30 सेकंड में सोल्व करोगे जितना मर्जी टफ क्वेश्चन हो आपका। ठीक है जी, 2001 में कितने हैं सर, 2001 में 70 है, तो एक बात बताओ मुझे आप, कितने बढ़े 10 बढ़े कितने पर 60 पर, 10 बटे 60 गुना 100 बटे 6, 1 बटे 6 की वैल्यू क्या होती है, लगातार बताते आया हूँ, बात करने की आवश्यकता नहीं, 1 बटे 6 सर 16.66 होता है, 16.66 देखो आंसर है क्या, 16.66 बोले तो 16.7 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। 1 बटे 8 12.5 होता है सर, 1 बटे 3 33.5 होता है सर, 1 बटे 4 कितना होता है 25 होता है सर, 1 बटे 5 20 होता है सर, ऐसी तो आपको देखना है, कैलकुलेशन करने थोड़ा बैठोगे भाई, इतना समय नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस जानवर का शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, दर्पण प्रतिबिंब बताना है बच्चों, दर्पण प्रतिबिंब क्या, दो लॉजिक बताए, लास्ट से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ऑप्शन काटते हुए चलो, पूरा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं, हमें पता है उल्टे एस से आंसर स्टार्ट होगा मेरा। अब ये देखिएगा, ये उल्टा एस तो जो पहले वाले ऑप्शन में तो एच कोश ने वाटर इमेज बना दी, पहला ऑप्शन गलत, दूसरा जो ऑप्शन है आपका, दूसरा ऑप्शन ठीक है, तीसरा ठीक है, ठीक है चलो, एच के बाद ओ, एच के बाद आपका ये ओ है, बिल्कुल ठीक है, फिर एस बिल्कुल ठीक है, फिर एस के बाद आपका पी, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी, पी के बाद आई, ये इसने जुगातु ये था आपका, ये इसने आई बना दिया, ऑप्शन सेकंड आपका गलत, आई तक ठीक है, इसके बाद देखेंगे वी जुगातु दिखाई देगा, ठीक है, ए आपका जुगातु दिखाई देगा, बी डी का आपका क्या दिखाई देगा, बी देगा, फिर वाई आपका बिल्कुल ठीक है, थर्ड आपका बिल्कुल ठीक है, इसके बाद वन उल्टा हो गया बिल्कुल ठीक है, आर विपरीत हो गया बिल्कुल ठीक है, ए विपरीत हो गया बिल्कुल ठीक है, इसने क्या किया ऑप्शन नंबर 4 में एच इसने सीधा दे दिया, ये गलत है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं बच्चों आंसर, तो सिर्फ आपको ये देखना आना चाहिए, मैं तो रीजनिंग के क्वेश्चनों के आंसर चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि राइट आंसर में हूँ, सिर्फ आपको उनको देखना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, यदि किसी ईंट के 3/16 भाग का वजन 5/8 किलोग्राम है तो ईंट के 9/20 भाग का वजन आपका कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा बच्चों क्या करना है आपको, 5/8 भाग दिया इसने, यदि किसी ईंट के 3/16 भाग का वजन 5/8 है, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं बच्चों, 3/16 लिखो, सबसे पहले देखो 3/16 क्या लिखोगे बच्चों, 5/8 किलोग्राम है, चलो पहले मैं 5/8 किलोग्राम से क्वेश्चन सोल्व करूंगा, 5/8 किलोग्राम लिखेंगे, एक ईंट का कितना था 3/16, इसको उल्टा कर देते हैं 16/3, ठीक है जी, अब इसको कट करेंगे, 8 × 16 5 × 10 10/3 आपको वैल्यू आई, अब करना क्या आपको 10/3 है, इसके बाद पूछा है ना 9/20 लिखेंगे गुना 10/3, देखो आंसर आपके सामने 10 × 10 10 × 20 3 × 3 3 × 9 कितना आएगा 3/2, 3/2 बोले तो 1.5 kg, 3/2 है 1.5 kg, 3/2 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है, इसकी क्षमता की गणना कीजिए, लगभग मान के चलो लोको पायलट एंड टेक्नीशियन में आपके न्यूमेरिकल टाइप फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करा रहा हूं, एक बार इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इससे पहले रेलवे लोको पायलट टेक्नीशियन एनटीपीसी जेई जितने भी आपके टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल आपके एग्जाम अभी तक हुए पिछले 10 वर्षों में, उनका भौतिक विज्ञान टॉपिक वाइज एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल के साथ कंप्लीट करा चुका हूं मैं, रासायनिक विज्ञान कंप्लीट करा चुका हूं, जीव विज्ञान कंप्लीट करा चुका हूं, अब हमारी डेट और शिफ्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज लोको पायलट टेक्नीशियन की भी स्टार्ट हो चुकी है, आपकी एनटीपीसी की स्टार्ट हो चुकी है, आरपीएफ की भी स्टार्ट हो चुकी है, उन प्लेलिस्ट में जाकर उन क्वेश्चनों को अच्छे से कवर कर लेना, गारंटी में देता हूं 70 से 80% क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है, इसकी क्षमता की गणना करो, ये जो आपका फोकल उत्तल लेंस की फोकल लंबाई और क्षमता वाला क्वेश्चन है, प्रत्येक शिफ्ट में पूछा गया है, प्रत्येक शिफ्ट में पूछा गया, होता क्या है सर
फोकल लंबाई 30 सेंटीमीटर दे रखी है, इसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 30 सेंटीमीटर बोले 0.3, मैं आपको बताएं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट लगा देना बस, एक 0.3 हुआ, क्षमता क्या होती है 1/d, क्या होती है 1/d, इतना भी आप नहीं रख सकते, 1/d एक बटे जब 0.3 करोगे आप तो कितना हो जाएगा 3.33 डायोप्टर होता है, इस बात का ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सेकंड टाइप होगा। क्वेश्चन नंबर 22, 2016 में किस भारतीय गायक को प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 TM कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए आरेख में सेट यू क्रम से सार्वभौमिक सेट और सेट LMN इतिहास भूगोल और भाषा का अध्ययन करने वाले छात्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इतिहास और भाषा दोनों का अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या जो भूगोल का अध्ययन नहीं करते, बच्चों 2 सेकंड में आंसर आएगा, कितने सेकंड में 2 में, सिर्फ आपको उससे पहले ही पता होना चाहिए, जैसे जैसे बोल रहे हैं ना, इसने कहा क्या है इतिहास और भाषा दोनों का अध्ययन करने वाले, इसका मतलब आपका हिस्ट्री और लैंग्वेज में वो आपकी डिजिट होनी चाहिए जबकि भूगोल में नहीं होनी चाहिए, इससे पहले आपको ये देखना है कि भूगोल का क्या दिया है इसने, एल इतिहास था, एम भूगोल था, एन भाषा था, इसका मतलब एम में वो डिजिट नहीं होनी चाहिए, एल और एन में होनी चाहिए। अब देखो 2 सेकंड में आंसर कैसे आएगा, एल और एन में कौन सी डिजिट आपकी सेम दिखाई दे रही है, सर एल आपका ये रहा, एन आपका, देखो कैसे सोल्व करते हैं बच्चों, एल आपका ये रहा, एन आपका ये रहा, दोनों में कॉमन क्या है ये बता दो बस, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, सर दोनों में कॉमन 4 दिखाई दे रहा है, बताओ 2 से 3 ही सेकंड लगी है ना, सिर्फ आपको समझना पड़ेगा बच्चों, इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा, गारंटी मैथ के क्वेश्चन होगी तो मैं दे रहा हूँ 80 से 90% क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बैठ लेना विदाउट फॉर्मूला, छुट्टी बजाती सोल्व मैं कराऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बॉक्साइड का आपका एक इसका है कॉपर कैल्शियम सोडियम धातु है, कॉपर पायराइट और प्यूपाराइट खनिज होता है, जस्ता मैग्नेटाइट और सिल्वर धातु होते हैं, इसमें आपको गलत बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर होगा ये जस्ता मैग्नेटाइट और सिल्वर धातु है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, किसी वस्तु के मुक्त गिरावट के दौरान उसके मार्ग में किसी भी बिंदु पर निम्न में से क्या कम होता जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, संभावित ऊर्जा, क्या कम होता जाएगा, संभावित ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, एक सूत्र तो आपसे पूछा ही गया है प्रत्येक शिफ्ट में, मैग्नीशियम नाइट्राइट का सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 Mg3N2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, देखो जब भी आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है सबसे पहले मैं आपको हमेशा ये बताया है आपको पूरा क्वेश्चन नहीं नोट करना है, नंबर 2 आपको ABCD भी नहीं लिखनी है, सिर्फ डिजिट के अकॉर्डिंग ऑप्शन काटने हैं। देखो कैसे करते हैं, यदि एक निश्चित कूट भाषा में PEARL को ये लिखा, अर्थ को आपको ये लिखा, तो PATH को क्या लिखेंगे? अब हमें ये देखना है डायरेक्ट आंखों आंखों में पी का कोड क्या दिया है, सर 2 दिया है, 2 लिखते हैं, बस थोड़ा स्पीड से लिखते चलेंगे, 2 क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, कभी आप ये लिखो कि जैसे कि MTHI को ये लिखा, इसके बाद आप लिखने बैठो वहां EARTH को 4159 लिखा, ये बच्चों का गेम है, बच्चों से गेम से बाहर निकलना है आपको, ठीक है। PATH, पी का कोड लिखा आपने 2, ए का कोड क्या होगा बच्चों, ए का कोड होगा 1, 21 से स्टार्ट होगा, ऑप्शन सेकंड आपका गलत है, ऑप्शन 4 आपका गलत है। आगे बढ़े, टी का कोड क्या है बच्चों, टी हमें दिया है सेकंड लास्ट ऐसे बोलना है, सेकंड में सेकंड लास्ट, नो है जी, 219 है क्या कोई इसमें, ऑप्शन फर्स्ट में है जी, यही आपका राइट आंसर होगा। स्पीड बढ़ानी है बच्चों, यदि आप मेरी क्लास पहली बार देख रहे हैं तो थोड़ा आप 1-2 क्लास और कंप्लीट देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कंपटीशन की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, टाइम पास आपको नहीं करना है, ठीक है, अपने आपको धोखा नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित संबंधों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन करें, फर्नीचर, कुर्सियां और कपड़े। बच्चों फर्नीचर्स, कुर्सियां और कपड़े, फर्नीचर बनाओ, फर्नीचर के अंदर कुर्सियां आ जाएंगी और कपड़े आपके अलग होंगे, देखो ये डायग्राम है क्या, डायग्राम है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल कवर कराऊंगा जिससे कि आपको कोई भी कथन इस कर्ज का क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है जी। चलो एक क्वेश्चन बनाता हूँ, यही मैं आपके सामने लिखा भारत, क्या लिखा बच्चों, भारत के बाद लिखा यूपी के बाद लिखा सहारनपुर, वेन आरेख क्या बनेगा? देखो भारत आपका ये हुआ, भारत के अंदर आपका यूपी हुआ, यूपी के अंदर आपका सहारनपुर हुआ, वेन आरेख आपका ये बनेगा। यदि मैं बोल देता हूँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, तो डायग्राम कौन सा बनेगा बच्चों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान अलग, भारत अलग, ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। यदि मैं बोल देता हूँ आपको एशिया, यदि मैं आपको बोल देता हूँ एशिया, देखो समझना है बस,
आंखों आंखों में अंतर चिल्लाता है, मैं राइट आंसर में हूं। एशिया, भारत, पाकिस्तान और दिल्ली, इसका भी नारे क्या बनेगा बच्चों? देखो लगभग 90% स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को गलत करते हैं। गलत नहीं करना, समझना ही तो है। सबसे पहले आप एशिया बनाओ, दो कॉन्सेप्ट होते हैं कथन निष्कर्ष के, सभी अंदर बनता है, कुछ बाहर बनता है, जो अलग होते हैं वो बिल्कुल अलग बनते हैं। तीन कॉन्सेप्ट याद रखने, ये तो हमारा बन गया बच्चों एशिया। एशिया के अंदर आपका क्या आएगा बच्चों प्यारे? ये आपका आया भारत, पाकिस्तान आपका आ जाएगा एशिया के अंदर अलग, दिल्ली आपका आ जाएगा भारत के अंदर। वे नारे के बनने हैं, दुनिया के कोई से भी क्वेश्चन उठा लेना कथन निष्कर्ष के, इस कॉन्सेप्ट पर चलना है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, उस आकृति का चयन करें जो निम्न समूह से भिन्न है, आपको अलग बतानी है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इनमें से आपको अलग बनानी है। जो बच्चों इसमें सी है ना, सी आधा प्रतिच्छेदित कर रहा है जबकि अन्य एक समान प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। देखो सी तो बिल्कुल मिडिल में है जबकि आपका ये क्या हो रहा है बच्चों? सी आपका मिडिल में है जबकि हाफ हाफ कॉर्नर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। राइट आंसर विकल्प नंबर आपका सी होगा, ऑप्शन नंबर 3। देखो ये कॉर्नर पे है, ये कॉर्नर पर है, ये कॉर्नर पर है, ये जबकि मिडिल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है जी? देखो आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन जितना मर्जी टफ क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो सबसे पहले डायरेक्शन का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए प्लस बनाएंगे। क्या बनाते हैं? प्लस। क्या बनाते हैं बच्चों? प्लस। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप अपने घर के बाहर खड़े हो जाओ, अपने घर के गेट पर खड़े हो जाओ डायरेक्शन का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, और जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं उस साइड मूव होते जाना, और क्योंकि आपको अपने घर के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन, सूरज किधर निकलता है, पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, डायरेक्ट पता होती है। देखो सोल्व भी करने की आवश्यकता नहीं होती। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, एक आदमी ओ से शुरू होता है, आपका ये ओ मिडिल हो गया, ओ से शुरू होता है, बिंदु ए तक पहुंचने के लिए पूर्व की दिशा में 20 किलोमीटर यात्रा करते हैं, 20 किलोमीटर चला गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। हमेशा एक कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, प्लस का निशान बनाएंगे, नीचे की साइड आर लिखते हैं, राइट आर एल, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। यदि आपने ये प्रैक्टिस की ना ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने की, तो कभी भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ने की आपको लेफ्ट किधर होता है, राइट किधर होता है, डायग्राम पर आपकी कमांड होनी चाहिए, आंसर आपके सामने होगा। 20 किलोमीटर की यात्रा करते, चलो आगे बढ़े, दाएं मुड़ता है, दाएं देखो चेक तो नहीं करना ना, दाएं किधर होता है, बाएं किधर होता है, दाएं मुड़ता है, दाएं सर नीचे होता है, आर नीचे होता है, दाएं मुड़ता है और बी तक पहुंचता है, 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चला गया, आगे बढ़े, 10 किलोमीटर यात्रा करते हैं, फिर इसके बाद दाएं मुड़ता है और फिर बिंदु सी तक पहुंचता है, फिर ये आपका दाएं मुड़ा, दाएं किधर होगा बच्चों? नीचे की साइड, राइट इधर होगा, कितना जा रहे हैं, दाएं मुड़ते हैं और सी पर पहुंचता है, ये आपका बी था, ये आपका सी, कितने किलोमीटर चल रहा है बच्चों दाएं मुड़कर? 9। ठीक है जी, आगे बढ़े, हाफ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। फिर दाएं मुड़ता है और बिंदु डी तक पहुंचता है, अच्छा ये बताओ ये दक्षिण की साइड, पूर्व पश्चिम की साइड जा रहा है, दाएं किधर होगा? ऊपर की साइड होगा, कितने किलोमीटर चल रहा है? 5 किलोमीटर, ये आपका डी तक पहुंच गया, ये आपका डी है, यहां तक आ गया, ये 5 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, बाएं मुड़ते हैं और बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चलते हैं, डी से फिर बाएं मुड़ा, कहां तक चल रहा है? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर चलने के बाद कहां पर आया बच्चों? ये ई पर आ गया। यदि इससे डबल भी क्वेश्चन दे देगा ना डायरेक्शन वाला, हम तब भी नहीं रल सकते क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है जी, ई तक पहुंचता है, 12 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, दाएं अब पश्चिम की साइड जा रहा, दाएं ऊपर होगा, दाएं मुड़ता है और बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चल गया जी, चलो कितना चल रहा है? 6 किलोमीटर, ये थोड़ा यहाँ तक आएगा, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर चलता है, यात्रा करते हैं। अब आपको क्या बताना है, बिंदु ओ और बिंदु बी के बीच की दूरी कितनी है? ओ और बी, ओ बच्चों ये रहा आपका, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, बी आपका ये रहा, इनके बीच की दूरी कितनी होगी? अब देखते हैं सोल्व कैसे करेंगे बच्चों। यहाँ पर आपको क्या करना है, ओ और बी के बीच की आपको दूरी बतानी है, ये आपका ए है, ये यहाँ पर आपका ए है, ये पूरा त्रिभुज बनाना, ओ ए के बीच की दूरी बतानी है बच्चों आपको। अब मुझे दिख रहा है ट्रिपल एट वाला फंडा लग रहा है, ट्रिपल एट पड़े होंगे, सोल्व करने की आवश्यकता नहीं होती ट्रिपल एट के क्वेश्चनों को। अब आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, मैं आपको सलाह ये दूंगा पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं होती यदि आपको ट्रिपल एट की वैल्यू पता है। अब मेरे सामने वैल्यू दी है 20 10, 20 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 400, 10 का कितना होता है? 100, 500, अंडर रूट 500 डायरेक्ट आएगा, अंडर रूट 500 को कैसे लिख सकते हैं? 10 हम 100, 10 12 आ जाएगा, 5 अंदर, 10 अंडर रूट 5 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन में निश्चित होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कोशिकाओं में कितने जोड़े सेक्स क्रोमोसोम मौजूद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
एक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। क्वेश्चन में आपके सामने ऐसा पॉइंट वाला क्वेश्चन हमेशा देगा, पॉइंट वाला क्वेश्चन हमेशा देगा। आपको क्या करना है, बड़ों बड़ों को जोड़ देना, छोटों छोटों को जोड़ देना। कभी वहां पे आप पूरी कैलकुलेशन करने बैठो, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा आपका। यदि फेल भी नहीं होगा, समय ज्यादा लग जाएगा। क्वेश्चन क्या कहते हैं, 234 प्लस 23.4 प्लस 2.34 प्लस 0.234 प्लस 0.0234। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओगे, ऐड करोगे, कोई फायदा नहीं है। देखिएगा कैसे करेंगे, देखो 234 क्या करोगे बच्चों, 234 23 2 कौन को जोड़ दो, 23 2 25, 34 और 25 ये 35 है, 35 मान लेते हैं एक बढ़ाकर, 35 25 35 5 40 50 60, 259 तो आया आपका, 259। इस क्वेश्चन में 259 डिजिट ही वाली सारी दे रखी है, इसलिए जो अब लास्ट में आपको, अब आप इन्हें जोड़ेंगे, ठीक है, पॉइंट 4 पॉइंट 34 पॉइंट 234 पॉइंट 0.234। जब इन सभी को ऐड करोगे आप अलग से, तो आपका कितनी, आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, 99.74 99.74 यही आपका राइट आंसर होगा, 259 99.74 है ऑप्शन में, 99.74 बिल्कुल राइट आंसर है। एक चीज और बताऊंगा मैं, छोटे छोटों को पूरा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, माइंड में अपने मानकर चलना है, मुझे यूनिट यूनिट डिजिट से लगभग मैथ के 3 से 4 क्वेश्चन मुझे सोल्व करने हैं। मैं हमेशा यही प्रयास रखूंगा कि यूनिट डिजिट से मैं क्या करूंगा, 4-5 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब ये देखो यहां पर 4 है बच्चों, यहां पर 4 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे तो जाहिर सी बात है यूनिट डिजिट 4 ही आएगी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। ऐसे भी कर सकते थे, क्वेश्चन नंबर 33 खालिस्तान को, खालिस्तान को पहले मिनिकाय और एमिनी द्वीय द्वीप के रूप में जाना जाता था और यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 लक्षद्वीप। बच्चों यहां पर है ना डिग्री चैनल आते हैं, कौन सा चैनल किने किने अलग करता है, देखो इसकी एक मैं ट्रिक बताऊंगा, बच्चे रटते हैं भूल जाते हैं। सबसे पहले 8 डिग्री चैनल होता है, 8 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है, देखो 8 जो है, 8 का सिंबल जो है, आप 8 को मिरर में देखना, याद नहीं करना, देखो समझना है बस, जीके को रटना नहीं, जीके को याद नहीं करना, थोड़ा माइंड में सेट करना है। 8 8 को मिरर में देखेंगे, 8 जैसा दिखाई देता है, और एक आपका एम होता है, एम को मिरर में दिखाई देंगे, एम जैसा होता है। अब एम से कौन कौन से बनते हैं, यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, एम बोलती आपको समझ में आ जाएगा, एम बोलती मिनिकाय और मालदीप की बात हो रही है, मिनिकाय और मालदीप को 8 डिग्री चैनल आपका अलग करता है। अब बात करते हैं 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है, 9 मतलब नहीं, 9 मतलब क्या करोगे बच्चों, नहीं, 9 क्या आपका लक्ष्य मिनी होना चाहिए, नहीं सर, क्या आपका लक्ष्य मिनी होना चाहिए, नो सर, इसका मतलब 9 डिग्री चैनल लक्ष्य से बनता है आपका लक्षद्वीप और मिनी से बनता है मिनिकाय, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकाय को आपका अलग करता है। अब बात करता हूं मैं 10 डिग्री चैनल की, एक क्वेश्चन पूछा जाता है 10 डिग्री चैनल, 10 में जो जो जीरो है ना अंडा बनी हुई है, अंडा बोले तो यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको अंडा बोले तो आपको याद रहना चाहिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात हो रही है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग कौन सा करता है, 10 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल क्या आपका लक्ष्य मिनी होना चाहिए, लक्षद्वीप और मिनिकाय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 34, तापमान थर्मामीटर में से संबंधित है ठीक उसी तरह जैसे कि कलरमीटर से संबंधित है, कलरमीटर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बच्चों, जिस प्रकार थर्मामीटर का यूज करके हम तापमान को मेजर करते हैं, उसी प्रकार कलरमीटर का प्रयोग करके हम विभिन्न कलरों को नापते हैं, कलर कलर बोले तो रंग, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, दो पाइप क्रम से 20 और 28 घंटे में खाली टैंक को भर सकते हैं जबकि तीसरा पाइप भरा हुआ टैंक को 14 घंटे में, अच्छा दो इनलेट है और एक आउटलेट है, चलो देखते हैं। जो आपका पहला है, जो पहला है वो 20 घंटे में भर रहा है बच्चों, 20 घंटे में भर रहा है, जो दूसरा है या बी है वो 28 घंटे में भर रहा है, जबकि एक थर्ड वाला है, इसे सेकंड कर लेते हैं, जो थर्ड वाला है वो 14 घंटे में खाली कर रहे हैं, देखते हैं। अब हमें पता है 28 20 और 14 का एलसीएम कितना जाएगा, 140, बहुत आसान है। देखो 20 से 25 सेकंड में आंसर निकलता है ऐसे क्वेश्चन का, देखो 20 से 140 ये हो जाएगा 28 पंजे 140 और 14 दशम 140। अब हमें दिखाई दे रहा है 7-5-12 के अकॉर्डिंग तो भरा जा रहा है, 12 के अकॉर्डिंग भरा जा रहा है और 10 खाली हो रहा है, तो एक उसमें कितना भरा जा रहा है बच्चों, प्लस 2 हो रहा है, भरा जा रहा है 2, एक घंटे में 2 भरा जा रहा है। अब पूछा गया इसने यदि 2 घंटे पहले आउटलेट पाइप बंद कर दिया जाए, आउटलेट कितना निकाल रहा है घंटे में 10, 2 में निकालेगा 20, 20 घटा दो 140 में कितना बचा, 120, कितना बचा बच्चों, 120। तो टैंक को भरने के में शुरुआत में कितने घंटे लगे, 120 भरने में कितना घंटा लगेगा बच्चा, 12 भरा जा रहा था 10 खाली था, एक घंटे में 2 भरा जा रहा था, तो 120 कितने में,
120/2 60 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 36, पृथ्वी के नीचे पानी के नीचे सड़ने वाली वनस्पति पदार्थ के अपघटन से प्राकृतिक गैस बनती है, इसका अपघटन किसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर होगा, 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अवायवीय जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 37, एक गोलाकार पार्क का व्यास 120 मीटर है, पार्क के चारों ओर 6 मीटर छोटी सड़क है, सड़क का क्षेत्रफल। इस टाइप का क्वेश्चन पार्क वाला या आपका रस्सी वाला या सड़क वाला या चार दीवारी वाला या बाउंड्री वाला क्वेश्चन हमेशा आता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा कैसे करेंगे बच्चों, वर्गाकार पार्क की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, 120 क्या करते हैं, 120/2 क्या हुआ जी आपका 60। क्लियर है जी। अब क्या है, सड़क की चौड़ाई 6 मीटर दी है, सड़क का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू है माइनस सड़क वाली इसमें से घटा देते हैं स्मॉल आर स्क्वायर, ये क्या होगा आपका, पाई का मान कितना होता है 22/7, बड़े आर का मान कितना है 66, कंप्लीट बोले तो 66 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर, ये कितना बचा आपका 22/7, 22/7 इसे रफ कर देते हैं, 22/7 66 और 60 कितने होंगे आपके 66 6 6 12, 126 गुना 66 में 60 जाके कितने बचते 6, ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों 7 × 7 7 × 56 18 हो जाएगा, तो ये कितना बचा आपका 22 × 18 × 6 8 × 48 8 × 2 16 यूनिट डिजिट 6 देखो है क्या, देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन बताऊंगा बच्चों में आपको, लास्ट में 22 की गुना कहीं में करनी थी आपको, 22 की गुना करनी थी 18 में, 18 की गुना 6 में करनी थी, समय लग जाता, मैं क्या किया इसमें 8 × 48 48 का यूनिट डिजिट 8 आया, फिर 8 की गुना करी 2 में 8 × 2 16 यूनिट डिजिट 6 आया। अभी देखो यूनिट डिजिट 6 एक में ही है, ज़्यादा में है तो पूरा सोल्व करेंगे, 6 एक में ही है, यही राइट आंसर। यूनिट डिजिट से कम आपका प्रयास होना चाहिए 5 से 7 क्वेश्चन आपको यूनिट डिजिट से करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, एक स्रोत 0.3 सेकंड में 30 गर्त और 30 शिखा उत्पन्न करता है, उत्पादित लहर वेव की आवृत्ति क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसे कैसे निकालते हैं बच्चों, ये 1.T होती है फ्रीक्वेंसी, ये आपका 1/0.01 होगा, पेन नहीं चल रहा है थोड़ा बच्चों, ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा 100 Hz, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न कथनों में से कौन सा गलत है, ए 1:A/B में बी पूर्ववर्ती है, 1:1 में छोर की संख्या का उत्पाद बराबर मध्य की संख्या का उत्पाद, 1:1 का कोई इकाई नहीं है, जब 2:1 समान होते हैं तो उस समानता के गणितीय कथन को 1:1 कहा जाता है। आपको गलत बताना है, क्वेश्चन नंबर 39 का आपका ऑप्शन फर्स्ट ही गलत हो जाएगा, 1:A/B में बी पूर्ववर्ती होता है, ये आपका गलत है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 40, कथन कुछ कार्य बाइक है, देखो डायरेक्ट बनाते चलो बस, ये आपका कार्य है, कुछ की बात की है हाफ लेंगे, कुछ कार्य बाइक, बाइक को बा लिख दो बस, आपको ये तो समझना है, बा को बाइक लिख दो, पूरा मत लिखो, कुछ कार्य बाइक है, कुछ बाइकें बसें हैं, कुछ बाइकें बसें हैं, ये कुछ बसें हैं, चलो आगे देखो निष्कर्ष, कोई बस एक कार नहीं है, कोई बस एक कार नहीं है, कोई बस एक कार नहीं है, यह आपका अनुसरण कर सकता है, पक्का नहीं कह सकता मैं, कुछ कार्य बसे हैं, कुछ कार्य बसे हैं, कुछ कार्य बसे हैं, ये भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है, तो इसमें या वाला ऑप्शन आएगा जब ऐसा डायग्राम बनता है, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित विकल्पों में से आणविक फार्मूला IUPAC नाम सामान्य नाम के गलत सेट का चयन करें। एक नंबर पक्का है जी, इस टॉपिक को कवर करते चलना, डायरेक्ट पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा आपका, गलत बताने हैं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल वाला हो जाएगा C2 की जगह C3 होता है, क्या होता है C3H7OH। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, देखो इसमें क्या कहा, इसने श्रृंखला ये दी है कि आधार पर उन शब्दों का चयन करें जो निम्न समूह से भिन्न है, 8 7 क्या बच्चों, इसने 8 7 X6 T Z ZL, इसमें आपका भिन्न क्या हो जाएगा, X6 हो जाएगा, को छोड़कर अन्य सभी बच्चों 3 अक्षर अंक या संकेत है। आगे बढ़े ऑप्शन सेकंड, क्वेश्चन नंबर 43, फिर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया, और यदि आप नए स्टूडेंट हैं या आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आप पूरा लिखोगे, क्रॉस करके जी से एच लिखोगे, कितना डिफरेंस है, डिफरेंस वो नहीं लिखना है, मुझे देखना जी, जी आता है कितने पर, 7 पर, एच होता है 8 पर, प्लस 1 है जी,
आई नौ पर होता है, जी दस पर, प्लस एक है सर, एम एन प्लस एक हो रहा है, डायरेक्ट सोल्व करेंगे ना, मैं लिखू क्यों, पी है, पी कितने पर होता है 16, 17 पर क्या होता है क्यू, आर, आर होता है 18 पर, मैं एक बढ़ाऊ 19 पर एस, क्यू एस, टी होता है 20 पर, एक बढ़ाऊ 21 यू, क्यू एस यू, क्यू एस यू, वी, वी होता है 22 पर, 23 पर होता है क्या आपका बच्चों डब्लू, क्यू एस यू डब्लू, बताओ कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नोट किया है क्या, नहीं करना है एग्जाम में, डायरेक्ट डिजिट से आंसर सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 44, माना कि एस का सेट ऐसे पूर्णांक एन बार संख्याओं से बना है जहां 100 जो है आपका 100 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 200, एक्स विषम है, फिर थर्ड दिया एक्स 3 से विभाज्य है लेकिन 7 से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर क्या होगा, इसे स्किप करेंगे, बाद में करेंगे, तीन क्वेश्चन स्किप है हमारे। क्वेश्चन नंबर 45, तत्वों डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू एक्स और वाई और जेड के क्रम से परमाणु संख्या 4, 11, 13 और 15 है, इनमें से कौन सा तत्व एक एस ब्लॉक का तत्व है। बच्चों 3, 11, 19 देखो क्या होता है, मैं बता रहा हूँ एस ब्लॉक से संबंधित परमाणु क्रमांक क्या होगा बच्चों, 3, 11, 19, 37, 55 और 57 समूह फर्स्ट के हैं बच्चों, तो इसका मतलब क्या होगा डब्ल्यू और एक्स, क्या होगा बच्चों डब्ल्यू और एक्स। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 40, देखो सोल्व करने का जबरदस्त तरीका, जरूरत नहीं पढ़ने की लिखने की, वैन आरेख का चयन करें जो कागज, कागज नैपकिन और सफेद वस्तुओं के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है, तीनों कॉमन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 47, समान समान द्रव्यमान के दो वस्तु ए और बी को क्रम से ऊंचाई एच और 3h पर रखा जाता है, उनका स्वाभाविक संभावित ऊर्जाओं का अनुपात होगा। 47 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, MgH अपॉन Mg3H, 1/3, 1:3। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 47 में तत्व आवर्त सारणी से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आवर्त सारणी से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों, इसलिए आवर्त सारणी को मैं जब भी क्वेश्चन आता है ट्रिक से कवर कराया है। एक बार आप लोको पायलट टेक्नीशियन की जो टॉपिक वाइज आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट कराई उसको देख लेना, और जो डेट और शिफ्ट वाइज कंप्लीट करा रहा हूं ना मैं उसको देखते चलना, बुक की भी आपको आवश्यकता नहीं पढ़नी है। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान की प्लेलिस्ट में जाकर सभी टॉपिकों को ट्रिक के साथ कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, वे तत्व जिनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पी उपकक्षा उपकक्ष में प्रवेश करती है उन्हें खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, कहीं के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पी ब्लॉक एलिमेंट। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 49, दी गई श्रृंखला में यदि बाईं ओर से 3, 10, 15 और 17 के पदों का सार्थक शब्द बनाने के लिए चुना जाता है, चुना गया और उस सार्थक शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा, चलो देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। 3A, 3 पर क्या आता है ए, 10 पर आपका सी, 15 पर आपका एन, ई, ए सी एन ई बनता है, तो उसका तीसरा अक्षर क्या होगा बच्चों, एन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 50, देखो सोल्व करने का तरीका, मुझे ये पता है यूनिट डिजिट 5 किसके वर्ग में आता है, 5 ही होगा लास्ट में, तो कन्फर्म है जी। अब ये बता दो आप वर्ग में नहीं बच्चों, चलो अब देखते हैं, 213 आपका 380 कैसे निकालोगे आप बच्चों, अब हमें पता है 380 400 के पास है, 400 किसका होता है 20, बोले तो 200 के आसपास है जी, ये 200 से तो बड़ा तो होगा नहीं, 200 छोटा सा होगा, 200 से थोड़ा कम होगा, 200 से कम क्या है बच्चों 195, ये आपका कंजप्शन मेथड होता है, गलत नहीं हो सकता जब डिफरेंस आपके काफ़ी बड़े हो ना बच्चों, जब डिफरेंस आपके काफ़ी बड़े हो तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, वाई एक्स का भाई है, कोई वाई है जी, ये आपका एक्स का भाई है, फिर क्या बोले, जो वाई है ना ये वाई जेड का पुत्र है, तो जेड इस ऊपरली पीढ़ी में आएगा क्योंकि पिता मम्मी चाचा ताऊ ताई ये सारे ऊपर से ऊपरली पीढ़ी में आते हैं। आगे देखिए क्या बोले, एक्स जेड तो का क्या लगा, जो एक्स है ये जेड का क्या लगा बच्चों, या तो ये जब इसका बेटा है तो या तो बेटा होगा या बेटी होगी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 52, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के पहले स्वतंत्र दिवस समारोह में निम्नलिखित पुरुषों में से किसने भाग लिया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड बच्चों, लॉर्ड माउंट बैटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, ये वाली आकृति बतानी है आपको, कौन से इसमें कौन से डायग्राम में दिखाई दे रही है, वही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, देखते हैं ये वाली आकृति कौन सी में दिखाई दे रही है, ऑप्शन नंबर ए में तो है नहीं, बी में, आपका बी में भी नहीं है, जबकि हमें दिखाई दे रहा है ये कौन से उसमें बच्चों,
आपका सी में या आकृति कौन सी में दिखाई दे रही है, सी में दिखाई दे रही है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा सी, देखो डायरेक्ट दिखाई दे रही है ये। ठीक है जी, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 54, देखते हैं क्या पूछा है। छोटा सा क्वेश्चन है, ग्राफ पढ़ ले तो बहुत आसान होते हैं, एकदम देखते हो जाते हैं। दिए गए ग्राफ के अनुसार सबसे कम कमाई किस दिन थी, सबसे कम कमाई किस दिन थी, सबसे कम कमाई किस दिन थी, ये थी जी यहाँ पर, ये कौन सा दिन बैठता है, रविवार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 55, दिसंबर 2017 तक प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद में नवनियुक्त संयुक्त सचिव कौन है। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा मिश्रा, सुमिता मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 56, मानव हृदय के दो ऊपरी कक्षों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है जी। 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, आलिंद बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, उस आंकड़े का चयन करें जो निम्न समूह से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 57 का क्या राइट आंसर होगा बच्चों, कौन सा है भिन्न आपको ये बताना है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा भिन्न, ये चार कॉर्नर पे ये टेपर है, ये कॉर्नर पे। राइट आंसर सी होगा जी, सी आपका अलग लग रहा है इनमें से भी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, 6400 का 2 साल का 5% दर से साधारण में चक्रवृद्धि ब्याज, बच्चों 5% की दर से साधारण ब्याज यदि मैं बात करूँ, 5 + 5 = 10 होता है ऐसा ही। वही हमें पता है सीआई कितना होगा बच्चों, 5 × 5 = 25, 10.25 होगा, 0.25 निकाल दो, 6400 का 0.25 आंसर होगा बटे 100। ठीक है जी, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 × 100, 4 × 4 = 24, 16 है जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, इससे बेहतरीन कॉन्सेप्ट नहीं मिलने का आपको। क्वेश्चन नंबर 59, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 8 जनवरी 2018 को पुणे में भारत का सबसे तेज और पहला मल्टी पेटा क्लॉप्स सुपर कंप्यूटर खालिस्तान को समर्पित किया, नाम पूछा है। क्वेश्चन नंबर 59 का आपका राइट आंसर होगा प्रत्यूष, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 60, यदि कोई व्यक्ति 10,936 रुपये बचाता है तो उसके वेतन का 2/9 है। अच्छा जी, 2 बराबर कितने हैं, 2 बराबर आपके 10,936, 9 बराबर निकाल सकते हैं, 2 बराबर कितने हैं बच्चों, 10,936, इसका आधा कर दो, 10,936 का आधा करके 1 की वैल्यू निकल जाएगी, जो आएगी उसकी गुणा कर देना कहीं में 9 में, ये ऐसा कर लेना, देखो 10,936 × 9/2 बात हुई है। ठीक है, जब इसको पूरे को सोल्व करोगे आप कितना जाएगा, 49,212 राइट आंसर, 49,212 ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 61, देखिएगा, एक समान गति के साथ चलती कार 64 सेकंड में इतने मीटर की दूरी तय करती है, उसकी गति क्या है बच्चों, 568 जा रही है मीटर में है ये सेकंड में, तो कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, 64 जब 64 से 568 को काटोगे बच्चों, 8.875 आ जाएगा मीटर पर सेकंड, 8.875 मीटर पर सेकंड राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 62, किस आध्यात्मिक नेता को 2017 में प्रतिष्ठित सेवा के लिए राष्ट्र के पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, निरंजनानंदन सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 63, 285 रुपये में एक शर्ट बेचकर एक व्यापारी 5% की हानि उठाता है, इसका मतलब 95 का मान कितना है जी, 95% बराबर है 285, 1% = 285/95, अब पूछा गया उसकी गुना कर दो, जो भी पूछा, क्रय मूल्य पूछता, 100 की करेंगे, 5% लाभ चाहिए तो 100 में जोड़ देंगे 5, कितना हो जाएगा 105, तो गुना 105, जब इसको पूरे को कट करेंगे कितना जाएगा, 315 आपका राइट आंसर होगा, तो 315 आपका राइट होगा, 315 की बिकनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64, देखिएगा, आपको ये डायग्राम पूरा करना है, ये डायग्राम पूरा करने के लिए आपको देखो हमें दिखाई दे रहा 3 त्रिभुज टेपर वाले आ रहे हैं, 3 त्रिभुज देखो, एक ये फिर ऐसे और फिर ये ऐसे फिर ये ऐसे, ऐसे वाला आ रहा है, मतलब 3 त्रिभुज टेपर वाले आ रहे हैं, इसका मतलब क्या, कौन से में होगा बच्चों, इस साइड आएंगे इस साइड, तो इस साइड कौन से में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे बढ़े
क्वेश्चन नंबर 65, एक प्रबंधन ने 72 दिनों में एक काम खत्म करने के लिए 210 पुरुषों को नियुक्त किया, 20 दिनों के बाद 50 और पुरुष काम जल्दी खत्म करने के लिए लगाए गए, अब शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिएगा बच्चों क्या करना है आपको, 210 दिन की बात, 210 थे आपके, क्या करो इसमें डायरेक्ट, कुछ लॉजिक लग सकता है क्या? यदि आप कुछ लॉजिक लगा सकते हो तो मुझे बताइएगा। देखिएगा 210 थे पुरुष, 50 पुरुष बाद में आए, इसका मतलब कुल पुरुष कितने हो गए, 210 तो आपके पहले थे, देखिएगा 210 तो पुरुष है, 72 दिनों की बात थी, 20 दिनों के बाद बचे कितने दिन है, 52, शेष दिन लिखते हैं ना, 210 गुना 52 करो ना डायरेक्ट, और अब टोटल पुरुष कितने हो गए बच्चों, 210 और 50, 260/260, इससे आसान मेथड नहीं होने का बच्चों आपका, जब इसको पूरे को सोल्व करोगे आप, 42 आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 66, शांति की तलाश में जिंदगी पुस्तक का लेखक हरिद्वार के किस लेखक और पत्रकार ने किया, क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राधिका नागरथ। क्वेश्चन नंबर 67, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर और विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। बच्चों क्या करोगे आप डायरेक्ट, 13 विकर्ण है ना, ये विकर्ण डबल डबल होता है बच्चों, इसे हाफ कर देना, चलो देखिएगा 10 है तो हाफ करके 5 का स्क्वायर कर देना, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, ए बी स्क्वायर या ओ ए स्क्वायर करके आप फॉर्मूला लिखोगे हंस सकता नहीं है, डायरेक्ट सोल्व करना सीखिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, विकर्ण का आधा कितना होगा 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, घटा देना इसमें से 25 घटा दो, स्क्वायर हटा दो, ठीक है जी, ये कितना होगा अंडर रूट 144, अंडर रूट 144 किसका होता है बच्चों 12 का, 12 गुना दो 24 होगी, कितनी होगी बच्चों, ये वो दूसरी लाइन कितनी होगी इसकी 24। अब पूछा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, 1/2 गुना विकर्ण 1/10 था, दूसरा 24, दो की गुना करी ना 12 आया था, 2 × 5 = 10, 24 × 5 = 120, राइट आंसर 120। बहुत आसान है, जब आप प्रैक्टिस करोगे आप भी ऐसे सोल्व करना सीख जाओगे। क्वेश्चन नंबर 68, इंस्ट्रक्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बच्चों आपको, इंस्ट्रक्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हमें पता है इसके बाद क्या आएगा पूछा है। देखो बच्चों 5 में 5, 6, 7, 8, 9 तो आएगा कन्फर्म है, बस 9 एक में ही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 69, सुरेश और दिनेश की आयु 4:3 के अनुपात में, यदि उनकी आयु का अंतर, यहाँ अंतर है 1, रेशो में यहाँ दे रहा है 6, तो 1/6, तो पूछा गया दिनेश की आयु, दिनेश का रेशो कितना 3, 36, 18, राइट आंसर 18, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 70, देखिए क्या क्या कहा है, पी एक्स, यदि छात्र एक्स का पीसीएम अंक प्रतिशत, पीसीएम अंक प्रतिशत बताना है बच्चों, पीसीएम किसका पूछा, एक्स का, एक्स के पीसीएम में कितने हैं बच्चों, पी में है 55, एक्स में कितने हैं बच्चों, एक्स में 55, केमिस्ट्री में 80 प्लस है 55, 80 सी एम, एम में कितने 60, मैथ में 60, बटे कितने टोटल कितने होंगे 300 होंगे गुना 100, जैसे 12th की परसेंटेज निकालते हैं आप, ठीक है जी, जब इसको सोल्व करेंगे पूरा आप कितना हो जाएगा, ये आपका 195/3 कितना हो जाएगा 3, कितने प्रतिशत आया 65%, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 71, देखिएगा पहले आप छोटा ब्रैकेट सोल्व करोगे, ये कितना होगा आपका 5, ये होगा आपका माइनस में ब्रैकेट होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 ये 15 हो जाएगा आपका, इधर 15 + 4 हो जाएगा आपका ये, ठीक है, इधर कितना है आपका 28 में से 43 जाएगा कितने बचते बच्चों, ये माइनस 15 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ दूसरी लाइन 18 माइनस, ब्रैकेट में नहीं लगाने का वो आप समझ जाना, ठीक है जी, 18 माइनस 15 भाग इधर कितना बच रहा, -15 + 4, ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 18, 10, 28, 5, 33 भाग ये है, इधर अंदर ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास -11, ये कितना हो जाएगा 33 गुना 1/-11 बराबर कितना हो जाएगा 11, 33 - 3, -3 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कथन देखिएगा, एचआर ने कर्मचारी से कहा मेल द्वारा अपनी स्कैन की हुई पासपोर्ट प्रति भेजिए, इसका मतलब धारणा देखो कौन सी ठीक होगी, कर्मचारी कुरियर द्वारा पासपोर्ट की प्रतिलिपि भेजेगा, गलत है जी, कर्मचारी पासपोर्ट की प्रति मेरे ईमेल पर
भेजेगा। 72 का राइट आंसर केवल धारणा सेकंड नहीं थे, पूरे थोड़ा करेगा। क्वेश्चन नंबर 73, 7 छात्रों का एक समूह था जिन्होंने एक परीक्षा दी, बाद में एक छात्र परीक्षा देने के बाद समूह में शामिल हो गया, उसके अंकों को शामिल करने के बाद समूह का औसत स्कोर 2 बढ़ गया, उस छात्र को मूल औसत अंकों की तुलना में कितने अंक अधिक मिले। बच्चों अच्छे को बताओ, पहले कितने थे छात्र, 7, एक बढ़ गया, कितने हो गए 8 हो गए ना टोटल, 2 बढ़ रहा, 8 दूनी 16 अधिक मिले जी। करेक्ट सोल्व करना सीखिए, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 74, आर 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 बच्चों क्या है, इसने आर इधर लिख दिया 1 2, देखो क्या किया है, नंबरिंग डायरेक्ट लिखी 1, पेन थोड़ा गड़बड़ करते हैं बच्चों, 2 3 4, तो क्या करना आपको क्या हो जाएगा इसका, इसी के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 में पहले आएगा थर्ड वाला M, फिर आएगा सेकंड वाला A, फिर आएगा आपका फर्स्ट वाला S, फिर E, M A S E, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन से पे, M A S E, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75, यदि समद्विबाहु त्रिभुज का एक आधार कोण 55 है तो उसका ऊर्ध्वाधर कोण क्या होगा। बच्चों 55 है ना, समद्विबाहु त्रिभुज के आधार का कोण 55 है तो ऊर्ध्वाधर कोण कितना होगा, 180 माइनस 55, क्या करोगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 155 माइनस ये आपका 55 है तो समद्विबाहु मतलब दूसरी भुजा भी 55 ही होगी, तो 180 में 110 घटा देना कितना होगा 70, राइट आंसर 70 ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। आज की क्लास हमारे यहाँ पर समाप्त होती है, यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।